सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। लोकदल का ही चुनाव चिन्ह है, पूरे एनडीए की ताकत लग रही है, एनडीए का सहयोग लग रहा है। मुख्यमंत्री जी परसों आ रहे हैं, जिसे आप वोट दोगे वही जीतेगा, बात बिल्कुल सही कही। और ये सोच के ही हमने मिथिलेश पाल जी को अपना उम्मीदवार, आपका उम्मीदवार बनाया है। चंदन चौहान जी को जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया, पार्टी को दिया, उससे पहले जनप्रतिनिधि कई बार कुछ करना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता मेरे क्षेत्र का काम हो, जितनी सरकारी योजना है वो मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लगें, ताकि हमारे मतदाताओं को भी अंदर प्रसन्नता पैदा हो कि हमने अच्छे व्यक्ति का चयन किया। सब लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सरकारी तंत्र हावी हो जाता है। वहाँ कोई ताकत से काम नहीं होता, लट चला के काम नहीं होता, लोकतंत्र में आपसी सहमति बनानी पड़ती है, तरह के जो प्रयोग करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है। सड़कों का जाल बन रहा है, देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने कहा कि हम खेल का विश्वविद्यालय बनाएंगे। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ कुछ मनाने की बात आ रही है कि कुछ नाराजगी है कुछ, मुझे तो मने मनाए लग रहे हो सबके सब। आप टेम्परेचर तो गर्म ही होता है ना हमारे लोगों का, कौन सी बात बुरी लग जाए कौन सी ठीक लगे पता नहीं लगता कभी कभी। ये यूट्यूबर वाले बेचारे बिचला देते हैं कभी कभी, इनकी खबर सुनो देखो तो ऐसा लगता पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ आके मैंने देखा माहौल, खून तो गर्म ही है, गर्म ही रहेगा। आज इस सभा का की अध्यक्षता कर रहे मायाराम जी और हुसैन अहमद जी और मंचासीन, जैसे मैं ये चुनरी पहन रहा हूँ ये ब्रज की है तो मैंने इसलिए नहीं उतारी कि बगल में मेरे कृष्ण पाल गुर्जर जी जो ब्रज के लगातार सांसद चुनने जा रहे हैं वो आए हैं, आपके सम्मान के लिए आए हैं। और ये उन्होंने बताया उनका इस क्षेत्र से कितना लंबा परिचय है, बड़ी खुशी भी जानकर। मैं अपने मंत्रालय की तो बात कह ही सकता था, अनिल हमारे मंत्री हैं उनकी बात कह सकता था, यूपी सरकार में साझेदार हैं। मैं अब ये भी कह सकता हूँ कि कृष्ण पाल गुर्जर जी के मंत्रालय का कोई भी काम हो तो अधिकार के साथ आप आ सकते हो, क्योंकि अब ये दूर नहीं है, जब चाहोगे आएंगे। इनकी इनकी जो जड़ें अब आपके मीरापुर के बुद्धिजीवियों के हाथ में हैं, जब चाहोगे बुलाओगे आएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है और कृष्ण पाल जी हमेशा चौधरी साहब का सम्मान और आदर करते आए, बहुत अनुभवी हैं। ये चुनाव कम वोट से नहीं जीतते, लाखों से जीते, लाखों से हर बार। तो हमें इनका ये भी रहस्य जानना है क्या फॉर्मूला है इनका, और मिथिलेश जी को फॉर्मूला बता के जाएंगे कि मिथिलेश जी को भी उतनी बड़ी जीत मिल सके। क्रिकेट का उदाहरण दिया उन्होंने, सही बात है, फील्डिंग भी जिताती है, तकनीकी खेल है, कभी कभी समीकरण भी बनाने पड़ते हैं, टेक्निक स्ट्रेटजी उसके आधार पे भी जीता जाता है। अब टेस्ट मैच में अगर आखिरी आधा घंटा ही बचा हो और टीम बैटिंग करती है और सोचती है कि एक और विकेट नहीं गिरना चाहिए तो भेजती है नाइट वॉचमैन, कौन जीत सकता है, कौन जो है अपने बचा के रखेगा अपनी साख को, कौन निकाल सकता है अपने सीट को। जिसे आप वोट दोगे वही जीतेगा, बात बिल्कुल सही कही। और ये सोच के ही हमने मिथिलेश पाल जी को अपना उम्मीदवार, आपका उम्मीदवार बनाया है। पहले भी बाय इलेक्शन में जिताया था आपने और उन्होंने कितनी ईमानदारी से बताया कि संजय चौहान जी की उस चुनाव में, उस अभियान में कितनी बड़ी भूमिका थी और आपसे उसी आधार पर उन्होंने वोट मांगी। वही याद दिलाते हुए मैं दाएं बाएं की कोई बात नहीं करूंगा, चंदन चौहान जी को जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया, पार्टी को दिया उससे पहले, और
चंदन के पिताजी संजय जी ने जिस प्रकार से वो मेरा सहयोग करते थे, उसी तरीके से आपके मार्गदर्शन में आज संसदीय कार्यशैली के तहत चंदन मेरा और दल का सहयोग कर रहे हैं। और जनप्रतिनिधि में जो खूबियां होनी चाहिए, कृष्ण पाल जी जानते हैं, अनिल जी मंत्री हैं वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम विधायकगण बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे जिले के यहाँ हैं। जनप्रतिनिधि कई बार कुछ करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता मेरे क्षेत्र का काम हो, जितनी सरकारी योजना है वो मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लगें, ताकि हमारे मतदाताओं को भी अंदर प्रसन्नता पैदा हो कि हमने अच्छे व्यक्ति का चयन किया, सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी सरकारी तंत्र हावी हो जाता है, कभी कभी वही नियम जो है वो अड़ंगा बना करके उसे बीच में तैयार करके फाइल को रखा जाता है कि ये तो संभव नहीं है। वहाँ पे आपको एक अनुभवशाली व्यक्ति की जरूरत है, वहाँ कोई ताकत से काम नहीं होता, लट चला के काम नहीं होता, लोकतंत्र में आपसी सहमति बनानी पड़ती है, तरह के जो प्रयोग करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है। वहाँ आपको एक विनम्रता पूर्व किसी अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति को अगर आपने चुना है तो वहाँ आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। धमकाने से काम नहीं करेगा अधिकारी, लेकिन क्या नियम है, कैसे नियम को कैसे लिखना है, कैसे उसका अवलोकन करना है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको लागू करना है, ये तो उनके हाथ की बात है, समझ की बात है। तो चंदन भी विनम्रता के साथ काम करा लेते हैं। मैं जब इनको फोन करता था, जब विधायक नए नए चुने बने वो हालचाल भी नहीं लेते थे, राम राम भी नहीं कहते थे, कहते थे जी मोरना का क्या होगा, मिल का विस्तार हमने वादा कर रखा है, जिस सड़क का आपको बता रहे हैं कई सड़कों का निर्माण हो गया, ये तो 12 किलोमीटर की सड़क है BIT। सोने के पहले उठने के बाद तुरंत, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं किस तनाव में है, और जो विधायक थे तो उसी तरह से चिपटते होंगे योगी जी के जाके, अधिकारियों के बीच जाके, तो इनके अंदर कोई अहंकार तो नहीं है ना, विनम्रता है, मुस्कुराते रहते हैं, प्यार से समझा लेते हैं, वही सारी खूबियां मिथिलेश पाल के अंदर आप देख सकते हो। 2.5 साल के लिए पहले आपने चुना था, अब लगभग उतना ही समय बचा है, सारे अनुभव का प्रयोग करेंगी। लोकदल में लगातार इन्होंने चुनाव लड़ा, लोकदल का ही चुनाव चिन्ह है, पूरे NDA की ताकत लग रही है, NDA का सहयोग लग रहा है। मुख्यमंत्री जी परसों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? जैसे मैं अभी कह रहा था कि अधिकारी कभी कभी फाइल लटका देते हैं, कुछ और लोग हैं जो सिस्टम का हिस्सा है, वो नहीं चाहते काम हो, अवरोधक बना देते हैं, गति रुकनी नहीं चाहिए। विकास का ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, तैयारी हो रही है, और आप हर क्षेत्र में देख लें, किसानी से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि किसानी के सवाल को लेकर लोकदल हमेशा से गंभीर रहा, चूंकि चौहान साहब की नीति रही है। और विकास के जो दूसरे पैमाने आधुनिक भारत के हैं, आप देखिए, स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच हर नागरिक के पास हो। आप जानते हैं कि एक मध्यम वर्ग का जो परिवार गांव का है, और जो गरीब परिवार गांव का है, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए और इलाज कराना पड़ जाए, तो उनकी गुर्बत, उनकी गरीबी, उनकी समस्या, उनकी पीड़ाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। मध्यम वर्ग का परिवार तो एक झटके से गरीबी में चला जाता है, इतना खर्चा करना पड़ता है, कोई योजना नहीं थी उनके लिए। अब 70 साल के हमारे बुजुर्गों के लिए भी अगर उपचार उनको कराना पड़ेगा, वहां कोई शर्त नहीं रखी है, आप 70 साल के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत का सुरक्षा कवच देने का फैसला निर्णय भारत सरकार ने लिया। इससे पहले गांव में जो काम होते हैं, परंपरागत सुनार है, लुहार है, कुमार है, बढ़ई है, नाई है, ये तो काम होते ही हैं, ये गांव के एंटरप्रेन्योर हैं, ये गांव के कुटीर उद्योग हैं, जिनकी बात, जिनकी लड़ाई, जिनके सामाजिक न्याय के लिए चौधरी चरण सिंह ने पार्टी बनाई थी, इनके लिए इससे पहले कोई स्कीम थी, कोई योजना बनी थी? 13,000 करोड़ की प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा योजना चल रही, जिसकी
प्रशिक्षण का काम हमारा मंत्रालय कौशल विकास का करता है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है। सड़कों का जाल बन रहा है। देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने कहा कि हम खेल का विश्वविद्यालय बनाएंगे। खेल का विश्वविद्यालय बनेगा, खेल की तकनीक विकसित होंगी, जो हमारे पुराने खिलाड़ी रहे क्षेत्र के उनको नौकरी मिलेगी, कोई कोच बनेगा उसको तनख्वाह पगार मिलेगी, नई पीढ़ी खिलाड़ियों की तैयार होगी, स्पोर्ट्स साइंस को बच्चे सीखेंगे, स्पोर्ट्स के तकनीकी पहलू से जुड़े जितने नए रोजगार हैं उससे लोग जुड़ेंगे। आज भारत 2036 में ओलंपिक खेल के लिए जो प्रतिवेदन डाल रहा है, कह रहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत में ओलंपिक का खेल होगा। और मैं अपनी पूरी की पूरी निधि खेल के संसाधन को गांव के स्तर पर देने के लिए कह चुका हूं, दे रहा हूं। यहां मुजफ्फरनगर में 60 में निर्माण हो रहा है, कई कई गांवों में काम करने की कोशिश है। और इस गांव की भी मुझे पता है, जो स्कूल की बाउंड्री है किसने बनवाई थी? संजय चौहान जी ने बनवाई थी। सही बात है कि नहीं है? अब बच्चों को मैं ये नहीं कहता सारे बच्चे मेडल नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन जब खेल का मैदान बनेगा वो खेल सीखेंगे, उनके अंदर की क्या हुनर है उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी, उनके घर वाले भी जानेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे काम से जुड़ रहे हैं, उनकी ऊर्जा का प्रयोग होगा, सदुपयोग होगा, डिसिप्लिन सीखेंगे, एक दूसरे पे निर्भर होना सीखेंगे, हारना सीखेंगे, जीत कैसे हासिल होती है मेहनत करके, ये संस्कार उन बच्चों के अंदर पैदा होंगे अगर वो खेल खेल पाएंगे। इसलिए कोई छोटा काम नहीं है। इस गांव के लिए भी जो बात आई है मेरे संदर्भ में, संज्ञान में, कि जमीन है, बाउंड्री है और खेल की सुविधा यहाँ के बच्चों को चाहिए, ये उनकी प्रबल मांग है, तो उस मांग का भी मैं सम्मान करूंगा। और चंदन भी कोई गए तो है नहीं, नौजवानों के लिए ही काम कर रहे हैं। अभी बीते दिनों बिजनौर में कौशल महोत्सव हुआ, ऐसा कभी कोई काम नहीं हो पाया बिजनौर पार्लियामेंट में। एक दिन के कार्यक्रम में 4000 बच्चों को जो नौकरी चाहते थे एक दिन में उनका इंटरव्यू हुआ। 2700 बच्चों का, 2750 का सिलेक्शन हुआ। यहाँ मीरापुर में आकांक्षा कॉलेज में 45 दिन से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, उनको बताया जा रहा था कि तुम इंटरव्यू दोगे तो कैसे जवाब देने हैं। वहीं हमारे बच्चे मात खा जाते हैं, सारी उनकी अच्छी तैयारी होती है लेकिन वहाँ इंटरव्यू में वो नहीं समझ पाते कि किस हिसाब से हमें अपनी पेशी करनी है। सारी ट्रेनिंग देके तैयार करके उनको एक दिन में वहाँ बुलाया गया। और मीरापुर के खुशी हुई, बड़ी बड़ी कंपनियों ने मीरापुर के 481 बच्चों को ऑफर लेटर, नियुक्ति पत्र दे दिया। बड़े पैमाने पे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे। तो चंदन तो कर ही रहे हैं, चंदन को आपने और ताकत दे दी। पहले वो अकेले पड़ जाते थे, अब वो पार्लियामेंट में है, दिल्ली में है, इनको आप लखनऊ भेज दीजिए तो एक और एक 11 हो जाएंगे। और पूरा मंच, पूरा एनडीए, किशन पाल जी तो अब आज आ ही गए, इनकी तो पूरी बात हो गई, खुलासा हो गया, पूरे सार्वजनिक तौर पर कह दिया। मुझ तक तो नहीं पहुंच पाते, आप तक जरूर जाएंगे सबके सब। तो हम सब की ताकत बढ़ाई है। मैं दोबारा किशन पाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, गाँव के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्षेत्र के लोगों को भी। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ कुछ मनाने की बात आ रही है कि कुछ नाराजगी है कुछ, मुझे तो मने मनाए लग रहे हो सबके सब। आप टेम्परेचर तो गर्म ही होता है ना हमारे लोगों का, कौन सी बात बुरी लग जाए कौन सी ठीक लगे पता नहीं लगता कभी कभी, लेकिन मेरा हक बनता है। ये यूट्यूबर वाले बेचारे बिचला देते हैं कभी कभी, इनकी खबर सुनो देखो तो ऐसा लगता पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ आके मैंने देखा माहौल, खून तो गर्म ही है, गर्म ही रहेगा। जैन चौधरी, जैन चौधरी, ये दो टूक, जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से, बाबू जी के जमाने में, चौधरी अजीत सिंह जी के जमाने में जिस प्रकार से आपने मुझे ताकत दी है, चंदन को दी है, उसी हिसाब से मिथिलेश जी को भी ताकत दे देना। धन्यवाद, जैन जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। आने वाली 8 तारीख को भी आदरणीय चौधरी साहब और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री